आंखें बंद कर लीजिए आंखों के साथ साथ अपना माइंड ज़हन भी रोक दें, बंद कर दें। इससे पहले कि हम कोई भी वर्कआउट करें, हम पहले अपनी तवज्जो, अपना ध्यान अपने आप में लाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप यहां पर बैठे हों जिस्मानी तौर पर और ज़हन आपका कहीं और हो, तो फिर आप पूरी तरह यहां पर नहीं आए और पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, पूरी अवेयरनेस से अगर कोई काम ना किया जाए तो उसके रिजल्ट्स भी अधूरे आते हैं। हम यहां पर हैं राइट नाउ, आई एम हियर। कोई ख्याल नहीं, कोई सोच नहीं, एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस का तजर्बा करें। जिस तरह पर्दा स्क्रीन पर एक के बाद एक मंजर, फिल्म, तस्वीर, शक्ल कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ऐसे ही हमारे जहन में भी एक के बाद एक ख्याल, सोच, पास्ट, फ्यूचर चलता ही रहता है। अब हम रोक देंगे, स्विच ऑफ कर दें प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्टर का, जब फिल्म पर्दा स्क्रीन पर चल रही होती है तो पर्दा नजर नहीं आता। जैसे ही फिल्म बंद होती है, प्रोजेक्टर बंद होता है तो एक खाली सफेद पर्दा, उसका तजर्बा होता है। ऐसे ही एक एम्प्टीनेस, और हमें एक एडिक्शन हो गई कि कुछ ना कुछ चलता रहे, एक नशा हो गया, एक आदत हो गई, क्योंकि हर सोच एक सेंसेशन पैदा करती है बॉडी में, हमको अपनी इस हैबिट को बदलना है। माइंड को उसकी एडिक्शन से, उसकी हैबिट से निकाल लें। उसकी एडिक्शन थॉट्स हैं, माजी मुस्तकबिल है, खालीपन, एम्प्टीनेस, लम्हा लम्हा, मूवमेंट मूवमेंट। एम्प्टी, ब्लैंक,
no mind, no thought, सारा तनाव सारी स्ट्रेस हमारे थॉट्स से आती है। थॉट्स क्या है? माइंड है, और माइंड क्या है? थॉट्स है। आप थॉटलेस होकर अवेयरनेस के साथ जिस दिन लंबी देर तक बैठना शुरू हो गए, 5 मिनट 10 मिनट, यकीन जानिए पूरी बॉडी की नॉट्स, पूरी बॉडी की बीमारियां, पूरी बॉडी की स्ट्रेस रिलीज होती जाएगी और सुपर बॉडी आपका मुकद्दर बनेगी। जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल एम्प्टी हैं हम, एम्प्टी, नो माइंड, हैव ए रेस्ट। हम कहते हैं कि कंप्लीट आराम है ये, बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं, ना तो हाथ चल रहे हैं ना पांव। जिस तरह किसी को काम काज की आदत पड़ जाए, बहुत से लोग होते हैं वर्कोलिक, ऐसे ही माइंड को मुख्तलिफ सोचों में जाने की आदत पड़ जाती है। ये हर दूसरा, हर इंसान मैं कहूंगा इसका शिकार है। अवेयरनेस, गुड। सब लोग लंबा और गहरा सांस लें, ब्रीथ आउट, पेट के निचले हिस्सों तक सांस को लेकर जाएंगे। वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आंख खोलेंगे और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिए, ये हिस्सा पेट का और कमर, इसको लेफ्ट राइट अच्छी तरह, यही मेन हिस्सा है लाइफ फोर्स का। ढीला छोड़ते हुए मूव कीजिए और पूरी तवज्जो पेट में, कमर पे, जो भी सेंसेशन, जो भी स्ट्रेच हो रही है उसको जानिए और जिस्म को टाइट ना रखिए, ढीला ढीला छोड़ते हुए मूव कीजिए। ओके, नाउ रिलैक्स, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, आंखें बंद। ओके जी, अपने गर्दन को देखिए, राइट शोल्डर के ऊपर जाने दीजिए, लेफ्ट हाथ उठा के लेफ्ट साइड पे बाहर रख, आपका राइट कान राइट शोल्डर पे आ जाए और नीचे जाने दीजिए। लेफ्ट साइड पूरी स्ट्रेच हो, स्लोली सीधी गर्दन करें, लेफ्ट हाथ लेफ्ट घुटने पे, राइट हाथ बाहर, लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पे आ जाए। थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच को बढ़ाएं, रेंज ऑफ मोशन बढ़े और अवेयरनेस प्लस नॉन रिएक्टिव रहिए, स्ट्रेच को बढ़ाते जाइए।
स्लोली वापस और ऊपर, नीचे वाला होंठ ऊपर वाली होंठ पे चढ़ा दे ताकि गर्दन स्ट्रेच हो। स्लोली चिन को चेस्ट के साथ लगा दें, बॉडी के अंदर क्या सेंसेशन है फील कीजिए। इजी, दोनों हाथ सामने, ब्रीद इन, देखिए बाल फैलाएंगे, सांस छोड़ दीजिए, राइट हाथ इसी एंगल में, राइट हाथ राइट साइड में नीचे जाएगा, देखिए एंगल ना बदले, राइट हाथ राइट साइड पे मैट के ऊपर टच हो जाए, होल्ड अप, सांस साथ में ले, लेफ्ट साइड फील कीजिए, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो गई हो, स्लोली वंस अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड पे मैट को टच हो गया, राइट हैंड दोनों हाथ को, जस्ट फील योर बॉडी, दोनों हाथों को लॉक लगाइए और सर के पीछे, सांस लेते हुए राइट और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, ये देखिए क्या हालत है बॉडी को जानिए, फील कीजिए, ओके दोनों हाथ ये देखिए शोल्डर के ऊपर और अपनी एल्बोज आगे से मिलनी चाहिए, देखिए वन टू, बड़ा सा सर्कल बनाइए, थ्री फोर, एल्बो आगे से मिले, फाइव, फिर वापसी पे ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, अब वन बाय वन देखिए, राइट आगे फिर लेफ्ट आगे, वन टू, कमर से फोर फाइव, बैक पे वन बाय वन, वन टू, वापसी पे वन बाय वन, फोर फाइव, रुक जाएंगे, ये फील कीजिए वन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, देखिए लेफ्ट पाम हमारा जैसे बेंट है इसी तरह बेंट रहेगा, राइट पाम को हमने ये देखिए ऊपर ले आना, लेफ्ट पाम को थोड़ा सा हमने ये देखिए राइट साइड पे लेकर आ गए, ये देखिए आगे से दोनों घुटने हमारे ये साथ में गए, गुड शाबाश, बहुत अच्छा, और देखिए हमारे दोनों हाथ पकड़ने हैं, वाह ये भी ना बात, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद आउट पे आगे आइए, चिन जो है आपकी घुटने के साथ लगे, सीधे आइए, ब्रीद इन एंड आउट, ब्रीद आउट, राइट साइड से दोनों से देखिए राइट शोल्डर से भरपूर टर्न ओवर, वापस लेफ्ट साइड से टर्न ओवर भी देखिए पीछे, वापस, और अभी दोनों हाथों पर, जो हाथ यानी वही हाथ आपका ऊपर रहेगा जो घुटना ऊपर है, राइट घुटना आपका ऊपर है तो राइट हाथ ऊपर रहने दे, लेफ्ट हाथ को पीछे ले आए और अपने ऊपर वाले हाथ से पिछले हाथ को पकड़िए, वाह ये है जी
कंप्लीट ये पोस्चर, इसको इसका नाम है कौ फेस, गौमुखासना। गुड, हाथ पकड़े जाए, ब्रीदे फेस अप और देते ख्याल को पीछे ब्रीद। पता चल गया होगा आपको कि क्या हालत है अपनी। हाँ जी, वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके, दोनों हाथ उसके दोनों पांव पर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हमने यहीं से बड़े आराम से अपने ये लेग्स को सिर्फ चेंज करना है, लेफ्ट नीचे, सॉरी राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। ओके, ये देखिए ये दोनों घुटने, ये अभी ब्रीद इन और कमर को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, ब्रीद इन एंड आउट। ऊपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, फेस अप, ब्रीद आउट, फिर चिन अपनी, ये देखिए चिन अपनी घुटने के साथ, और होल्ड ऑन। अपनी लेफ्ट साइड से टर्न हो भी देखिए भरपूर जोर से टर्न हो, वापस राइट साइड से टर्न हो भी देखिए भरपूर वापस, दोनों हाथ ऊपर। अब लेफ्ट हाथ आपका ऊपर रहेगा, राइट हाथ पीछे ले जाइए, नाउ राइट हाथ को पीछे पकड़िए, हाथ पकड़ा जाना चाहिए। यस, चेस्ट की तमाम प्रॉब्लम्स, फेफड़ों के तमाम मसाइल, दिल के अमराज, सांस की तमाम प्रॉब्लम, अस्थमा, एलर्जी, उसके लिए ये कमाल का पोस्चर है। ब्रीद इन, ऊपर वाली एल्बो को बैक पे पुश कीजिए, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, ऊपर वाली एल्बो को बैक पे पुश कीजिए, ब्रीद आउट। हाँ जी, घबराना नहीं। हाँ जी सर, आ जाइएगा हमने ही करना है। ओके जी, आइए, उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन फखरी, फखरी एक शायर हुए, इसने बड़ा अच्छा शेर शेर कहा, उठाना खुद ही पड़ता है, थका टूटा बदन फखरी, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। तो हमें अपने मसाइल खुद ही हल करने हैं जब तक जिंदा है, और ये मसाइल हमारे ही पैदा करता है, तो बीच में दूसरे को लाएंगे ही नहीं, और ये नहीं फिर। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, जब भी कोई बीमारी आती है बड़ी, तो जरूर बॉडी के ऊपर कोई बड़ा अटैक होता है, डिप्रेशन होती है, कोई बड़ा गहरा कोई फोबिया, कोई ड्रामा, कोई गहरा कोई दुख हो सकता है, तो क्या करें, रिलीज कर दें सारे तनाव को बॉडी से, प्योर कर दें, साफ सुथरा कर दें। जब भी बंदा मैला कुचैला हो जाए, मट्टी गंदगी हो जाए, तो धोना नहाना ही पड़ता है। ऐसे ये एक गुसल है, ये सफाई का अमल है, प्योरिफिकेशन है, और नीचे तक जाएंगे कंधे, आंसू घुटने और बस जी। अब दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे पकड़ेंगे, ये देखिए पकड़ेंगे, और राइट लेग को स्ट्रेट, ये देखिए स्ट्रेट, और लेफ्ट एल्बो लेफ्ट घुटने पे रखिए, और राइट लेग को देखिए बाहर की तरफ, देखिए घुटना सीधा हो जाए, और अब लेके राइट बाजू मेरा सीधा हो गया, फिर एक बार थोड़ी देर के लिए। गुड, अब लेफ्ट लेग को थोड़ा पहले मूव कर ले ताकि ये नॉट्स ओपन हो। अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए, पहले स्ट्रेट करेंगे, ये देखिए स्ट्रेट कीजिए, फिर लेफ्ट एल्बो रखिए राइट एल्बो रखिए अपने राइट घुटने पे, और देखिए लेफ्ट लेग को स्ट्रेट, लेफ्ट बाजू भी स्ट्रेट हो गया थोड़ा बाहर की तरफ, देखिए घुटना मेरा बिल्कुल सीधा हो गया, और वापस फिर जी घुटने नीचे जाए, नीचे जाए और नीचे। ओके जी, आप दोनों हाथों से दोनों पांव नीचे से, और ऊपर।
ऊपर लेकर आएंगे जी, उठाइए जी, उठाइए उठाइए, गिरना नहीं जी, उठाइए। देखिए अपने अंगूठे नाक के पास लाने हैं जी, ये देखिए, और ऊपर स्लोली, अप, मैं आराम आराम से लेके जा रहा हूँ, और टच करेंगे नाक को, एंड वापस, ओ गुड, फिर भी नीचे, ये ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर लीजिए बॉडी को, क्या हालत है, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। इसी पोस्चर में बैठे बैठे अपना राइट घुटना हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये देखिए ये पीछे की तरफ आ गया, और लेफ्ट हाथ को लेफ्ट घुटने पर रखिए, राइट हाथ से राइट पाँव पकड़िए, और राइट साइड से टर्न हो जाइए, राइट साइड से टर्न हो जाइए, और टर्न हो जाइए, राइट साइड जरा देखिए घूमते बर्थ, और अच्छा वापस आइए, अब दोनों हाथ ऊपर ले लें, खींचिए ऊपर जिस्म को, और थोड़ा राइट साइड भी आएंगे, ये देखिए जी बड़ा कमाल, और वापस, और ऊपर स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच, और अब सामने आइए, थोड़ा आइए 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 आइए, जितना हो सकता है आगे जाएंगे, आगे हाथ ले जाए, गुड, और आगे, वंडरफुल, जबरदस्त, एंड वापस, बस राइट को अपनी जगह पे आ गया, लेफ्ट को आप ये देखिए ऐसे फोल्ड किया, पीछे दे दीजिए, राइट आ गया, पहले राइट साइड से यूं घूम के देखिए, बताए घूमिए पीछे, और घूम जाइए, और बस दोनों हाथ ऊपर ऊपर जरा स्ट्रेच कीजिए, खींचिए ऊपर, और अब थोड़ा लेफ्ट साइड पे आएंगे, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे, जाइए, और थोड़ा वापस, और अब सामने आ जाए, जितना हो सकता है आगे आइए, बस अब दोनों लेग स्ट्रेट, और मूव राइट लेग को सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे, ये देखिए ऊपर और ऊपर, देखिए लेफ्ट पाँव पे, लेफ्ट पाँव को आगे लगाएंगे बॉडी को, आप दरमियान में उठाइए जिसम के ऊपर, राइट लेग को बैक स्ट्रेच करके रखिए, दोनों पाँव भी आगे ले जाइए, गर्दन पीछे जाए, और दरमियान में बॉडी ऊपर जाए, गर्दन पीछे जाए, सब दोनों घुटने फोल्ड, ऊपर से घुटने बाहर, बटरफ्लाई बट बैठ के पाँव हाथ पीछे लगाए हैं हमने, इसी पोस्चर में बॉडी को ऊपर उठाएंगे, नॉलेज योर बॉडी, आप ये देखिए घुटने बाहर की तरफ जाए, और बाहर की तरफ घुटने जाए, और गर्दन पीछे जाए कि हेड पीछे जाए, जुआ खोलिए थोड़ा, और ऊपर, एंड वाह, अब घुटने साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन मोर टेन, ओके दोनों पाँव में फास्ट है, ये देखिए अब हमने टेबल पोस्चर करना है, अप अप जी, गर्दन पीछे जाए, और उठाइए जिसम ऊपर, गर्दन पीछे जाए, और आप राइट घुटना लेफ्ट पाँव के पास लेकर जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट घुटना राइट पाँव के पास लेकर जाएंगे, और दोनों हाथों से दोनों पाँव टच कीजिए, आइए आगे आइए आगे, दोनों हाथों से दोनों पाँव, और आगे और आगे और आगे, यस, और फॉरवर्ड बेंडिंग जी, झुकी आगे की तरफ, सिटिंग फॉरवर्ड फोल्ड है ये, और एंड वापस, राइट पाँव को उठा के लेफ्ट जी,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. लेफ्ट हाथ से लेफ्ट मुंह का अंगूठा पकड़ा गया सर, कम ऑन, ये हमारा ही अंगूठा है, पकड़ना है और अपना पोस्चर ठीक करना है, राइट हैंड पे और नीचे, अब राइट घुटना नीचे की तरफ दबा के रखिए और पीछे पीछे हाथ को देखिए और गुड एंड वापस, बहुत अच्छा, ये बाजू आपका यहां तक नहीं, यहां तक भी नहीं, यहां तक भी नहीं, बल्कि इससे भी आगे जाए, यहां तक और आगे जाना चाहिए ताकि ये पूरी चेस्ट आपकी जो है नरम हो। ओके जी, अब लेफ्ट मुंह को जरा मोड़ के लेकर आइए और राइट, ये देखिए पांव के ऊपर लोटस, यस सर, बात बनेगी नहीं जब तक आप नहीं बैठेंगे जी, कीजिए, देखिए ये पोस्चर है, ये लोटस है, गौर से देख लीजिए, ये लोटस पोस्चर। ओके, राइट पाँव नीचे रखिए, लेफ्ट ऊपर रखा, गुड जी, अच्छा सर ठीक है, फिकर ना करें, उतर जाएगा पाँव नीचे, ऐसा नहीं कि एक बार चढ़ गया तो नीचे नहीं उतरेगा, कोशिश कीजिए, सब लोग कोशिश करें जी, बगैर कोशिश के नहीं होगा, ये करना पड़ेगा जी। नो ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके जी, अभी हम वन बाय वन जो कर लिया है जिन्होंने, वो पहले अपने लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव का अंगूठा पकड़ेंगे, ये देखिए लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाँव का अंगूठा टर्न करके ना पीछे से, यस जी, इधर से, हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक जा रहे हैं, अच्छा, ये इसको और थोड़ा पीछे कीजिए, देखिए ना करीब जी, हाँ जी, गुड, देखिए आपका हाथ टच होने वाला है, हाँ गुड, शाबाश, गुड, अच्छा छोड़ दीजिए, अब राइट हाथ से, ये देखिए राइट हाथ का अंगूठा पकड़िए, वाह, ये देखिए जी, अभी तो दोनों भी पकड़ने हमने जी, आप क्यों सोच रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादुई काम है, हाँ मेरी बॉडी भी आपकी तरह ही थी, बड़ा मसला है, कोई मसला नहीं है जी, कोशिश करें सर, देखना नहीं, ये योगा का पहला असूल है कि ऑलवेज लिव ऑन योर ओन मैट, जो भी दूसरा कर रहा है उसकी बॉडी आपसे मुख्तलिफ है, तो आपने अपना बस अपना ख्याल करना है। ओके, और फर्स्ट स्टेप पे होंगे, ओके जी, और थोड़ा पीछे कीजिए इसको सर, आप थोड़ा और पीछे कीजिए, कम ऑन, ये देखिए जी, मैंने कहा था दोनों पकड़ने, देख लीजिए, ये देखिए आपको नजर आया जी, दोनों एक दिन पकड़ेंगे, ये देखिए दोनों पांव पकड़े गए हैं, लेकिन ये आपने कोशिश करनी है तब होगा, पकड़ेंगे ये हुई ना बात, गुड, हमने वो सर वंडरफुल सर, जबरदस्त, मैं ये डेली करवाऊंगा, बस ही वापस, गुड जी, अब हम इसी पोस्चर को दूसरी साइड, ये देखिए टांगों के अंदर जो दर्द होता है, यकीन जानिए सारी जिंदगी के लिए दर्द खत्म हो जाते हैं, ये वो पोस्चर है जो हमारे रवैये को बदलता है सर, गुड, आई नो पेन हो रहा है, इसी पेन से गुजरना है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन, ये ज़हन में रख लीजिए, अब जी लेफ्ट को उठा के अपनी राइट थाई रखिए, ये देखिए 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, देखिए जी ऊपर इसको ज्यादा याद, और आप राइट इसके ऊपर रख लीजिए, ये देखिए जी, ये राइट, मेरा राइट मेरा मसला, कोशिश करें सारे मसले खत्म होंगे सर, आराम आराम से, ऐसा ना हो गए स्लो, कोशिश कीजिए उसको थोड़ा आप नीचे कर लें, अगर आप बहुत ऊपर नहीं ना जा सकते, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, वेरी गुड, आराम से अपनी बॉडी को, ओ वाओ, देखे जी ये है ना जी हिम्मत, और इतना ये फर्स्ट टाइम आपने किया मेरा ख्याल है, गुड सर 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 सर, वाह 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 वाह,
गुड गुड, ये भी एक आज नया नया मुआवजा हो गया जी, आपकी टांगों की सारी दर्दें खत्म होंगी। चढ़ तो गया सर, कहते हैं चढ़ तो गया उतर भी जाएंगे। ओह गुड, बस ओके जी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वंस अगेन डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओके सब लोग, अभी आप आज हमने एक और पोस्ट भी कर रहे हैं, सब लोग आप ऐसे आ जाइए, इसको कहते हैं टोस स्टैंड, ये देखिए ऐसे आइए पहले टोस पे, टोस पे ये देखिए ऐसे, हाँ जी आइए आइए, गुड जी टोस पे ठीक हो, वाह हो गया ना, आ गया हम, गुड जी, ये भी हम आए हैं दोनों पाँव के अपने पंजों पे, अभी हमने एक पंजे पे पूरी बॉडी का वजन लिया, कोई मुश्किल नहीं है, ये देखिएगा जी, अब आप सपोर्ट लें प्रॉपर तरीके से, हाथों को नीचे रखिए, एडजस्ट कीजिए, ये देखिए जी, राइट पाँव को उठा के लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए, दोनों हाथों की आप थोड़ी सी सपोर्ट ले सकते हैं ना फिलहाल, ये देखिए गुड गुड, राइट पाँव को मैंने लेफ्ट थाई पर रखा, वैसे आगे अगर आप मुमकिन हो तो ये देखिए, वन ओके जी, आप कोशिश करें, कोशिश कीजिए, गुड गुड, आपसे मैं नहीं कह रहा कि हाथ छोड़ें, आप अपने हाथ हाथ पकड़ के रखें, हाथ रखें, गुड, हाथ अभी आप बैलेंस में रखिए, गुड, आइए आइए आइए, कम ऑन, वाओ गुड, थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, ओके वापस दूसरी साइड पे जाएंगे, राइट नीचे रखा, लेफ्ट ऊपर रख लीजिए, ये देखें, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, वेल डन जी 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 जी, गुड कोशिश, दोनों हाथ आप नीचे लगा लेना फिलहाल, सपोर्ट दें, देखिए आप कितनी स्ट्रेच आएगी आपकी ये पाँव की उंगलियों के अंदर, गुड, और चलिए आप एक काम करें, ऐसे ताली बजा दें, ओके कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अभी आप ऐसे आ जाए, ये होमवर्क रहना है जी, इसको होमवर्क रहना है, हाँ होमवर्क का नाम नहीं लेना वरना लोग भाग जाते हैं, कल भी दो लोग नहीं आए। ओके जी बॉडी शिफ्ट कीजिए जी, ऐसे पूरा वजन डालिए, पाँव की उंगलियां सुन्न होना शुरू हो जाती हैं अक्सर लोगों की, वो लोग जो अपनी उंगलियों को प्रॉपर मूव नहीं करते। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एनसीसी उस दौर में होती थी, तो हमारे इंस्ट्रक्टर हमको खड़े जब करते थे तो वो कहते थे कि अपने शूज के अंदर जो आपके पाँव की उंगलियां हैं उनको आप हल्का हल्का मूव करते रहिए, अंगूठों को मूव करते रहिए तो आपके पाँव सुन नहीं होंगे, वो एक छोटा सा पॉइंट था उनका, काफ़ी देर तक वो पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट तक पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइज, खड़े रहो तो हम खड़े रहते थे तो उंगलियाँ अंदर से कहते थे मूव करते रहो, तो उससे तो ये होता था पाँव सुन नहीं होते थे और चक्कर वक्कर नहीं आते थे, एक पहला वो एक एक्सरसाइज थी, बट ये एक्सरसाइज जो है ये तो सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी पर तनाव रिलीज कर देती है, जस्ट रिलैक्स, ओके जी ब्रीद इन ब्रीद आउट, दोनों हाथ सामने ले, ये देखिए तो राइट लेफ्ट में स्ट्रेच कीजिए आप, और फेस आगे आगे से फेस आगे, और आपकी बैक से वापस, नो लेफ्ट लेग को बैक से स्ट्रेच किया, सही तरह और स्ट्रेच करने, गुड, बड़ा कमाल पोस्चर है स्ट्रेचिंग का ये आपकी लोअर बैक के लिए, वापस बस ये आप पीछे से पाँव उठा लीजिए और दोनों पाँव राइट साइड पे जाएंगे, ये देखिए और फेस भी राइट शोल्डर पे आएगा, वापस दोनों पाँव लेफ्ट साइड पे जाएंगे और लेफ्ट शोल्डर से पीछे देखिए भी वापस, और दोनों पाँव पीछे हैं दोनों फेस ऊपर दोनों फेस, और जाइए पीछे साइड पे आएंगे, आज का पोस्चर हमारा सब लोग अभी अपने राइट बाजू और राइट पाँव के ऊपर आएंगे, राइट पाँव को अपने सॉरी लेफ्ट पाँव को अपने राइट पाँव के ऊपर रखिए और राइट बाजू नीचे रखते हुए लेफ्ट हैंड आप फिर साइड में आएंगे, लेफ्ट हैंड आप ऊपर जाए
देख सकते हैं बाल बॉडी स्ट्रेट हो, थोड़ा कोशिश तो करें, और अगर मुमकिन हो तो अपनी लेफ्ट लेग को भी देख सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हो ऊपर। ओके वापस दोनों फिर से आराम आराम से लेफ्ट पाँव पर अपने राइट पाँव को लेकर आएंगे, राइट हैंड अप जाएगा, राइट हैंड अप, और आप साथ ही राइट लेग के ऊपर ऊपर जितना हो सकता है राइट लेग अप, और आप ऐसे एंड वापस। जी गुड सर, गुड सर, वंडरफुल। गो फॉर डाउनवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग, नो ब्रीथ इन एंड अपवर्ड फेसिंग। ये देखिए आप फेस अप, राइट शोल्डर से पीछे, लेफ्ट शोल्डर से पीछे, घुटने जमीन पे एंड जॉइंट पुश, बदन पीछे डाल दीजिए, जॉ खोलें नीचे जब है और उठ के बैठ जाए, फेस उठ के बैठ जाए, गो अच्छे, डीप ब्रीदिंग, ब्रीदो राइट में थम्ब अप कीजिए, लेफ्ट साइड से फोर्सफुली ब्रीदिंग है, लेफ्ट साइड से फोर्सफुली, रुक जाइए, अब लेफ्ट साइड बंद करें राइट साइड से, नाउ रिलैक्स 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 योर बॉडी, अमर जिंदगी प्यार से मोहब्बत से खुशियों से और अमन से भरे, हमारे पास सुपर हेल्थ हो, सुपर हेल्दी बॉडी हो, सुपर हेल्दी बॉडी इस दुनिया में उन लोगों की कोई परसेंटेज ही नहीं जो सेहतमंद हैं, क्योंकि जितना काम करना चाहिए लोग नहीं करते, लोग शॉर्टकट में लाइफ की बुलंदी को छूना चाहते हैं। इकबाल ने कहा चाहते सब हैं, चाहते सब हैं कि हूं और जे सुरैया पे मुकीम, हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि वो लाइफ की जो पोटेंशियल है, हाईएस्ट जो पीक है उसको वो टच करे, और जे सुरैया चाहते सब हैं कि ओ हूं और जे सुरैया पे मुकीम, पहले पैदा तो करे कोई कल्ब सलीम, हमको इसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए, मुकम्मल यानी दिल से काम करना चाहिए, कल्ब सलीम। सब लोग लंबा और गहरा सांस, सांस को छोड़ दें, थैंक यू वेरी मच।